मुसलमानों को बहुत आतंक है ये, हमें हमारा शरीयत बोले तो हमारा जान है, वो शरीयत को इधर क्या खत्म करने का एक यूसीसी का प्लान ही चाहिए। यूसीसी आप देखो, यूसीसी आप वेबसाइट में ओपन करें तो आपको मालूम होता तलाक, अडॉप्शन, विरासत और ऐसा जो शरीयत एप्लीकेशन एक्ट में 1937 में अमना एक हक दिलाए गए है उसको खत्म करने का है यूसीसी। इसलिए हमारा आतंक है मुसलमानों का पूरे का, ये हरगिज ये लागू नहीं होना चाहिए। यूसीसी से हमारा प्रॉब्लम क्या होता, तलाक क्या है, हलाला क्या है, हलाला के बारे में बहुत मिसगाइड कर रहे, हर पूरा हिंदुस्तान में हलाला चल रहा है करके, वैसा एक भी आप एक भी नहीं दिखा सकते। अभी हमें पूरे बैठ को है, हमें पूरे बैठ के उलमा लोग इसमें दूसरी शादी कौन कौन करे करके पूछो आप, इतना लोग है ना, मैं तो एक ही शादी है, मौलाना भी एक ही शादी है, पूरे एक ही शादी करके चा, ये क्या है तलाक बोले तो एग्जिट इमरजेंसी है, वो एग्जिट इमरजेंसी। फ्लाइट में आप जाते, फ्लाइट में जाने के टाइम आपका जान का खतरा आ गया, आप क्या करना, एग्जिट इमरजेंसी यूज करो। ये तलाक उतना ही है, दूसरा क्या भी नहीं है। अब ये आप जाके रेल को ट्रेन को तुम्हारा गर्दन ये करके आपका जान ये खतरा में नहीं करना, जान को बहुत इंपॉर्टेंट है इस्लाम में। इसलिए वैसा टाइम आए तो आप तलाक बोल सकते हैं करके, और हलाला का क्या है, और ये क्या बोले विरासत औरत वो भी बताया मैं, और दूसरा क्या बोले, अच्छा चार शादी का, चार शादी कौन करते हैं, सब एक शादी से इधर बहुत बड़ा मुश्किल पड़ रहा है फिर दूसरे शादी चार शादी को दे करते। इसलिए मैं बता रहा हूं ये मुसलमानों का शरीयत का एप्लीकेशन एक्ट को शरीयत मोहम्मदन लॉ को खत्म करने का शादी से, ये जमाने से चल रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन का उनका एजेंडा कोई था, यूसीसी हमें लागू करेंगे।